नमस्कार, स्टेट टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। पुंछ में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी का शव भी बरामद कर लिया गया है। इस बात की पुष्टि सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने की। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह नियंत्रण रेखा से पार कर आतंकवादियों ने पुंछ सेक्टर में घुसपैठ का प्रयास किया। अलर्ट सैनिकों द्वारा चुनौती दिए जाने पर आतंकवादी के साथ भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। इसके पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे शहर में देखने को मिल रही है और मंदिरों के शहर जम्मू को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ मंदिरों में अभिषेक भी किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व सादगी के साथ मनाया गया था, लेकिन इस बार भी कोविड SOPs को ध्यान में रखते हुए ही श्रद्धालुओं को मंदिर आने की इजाजत दी गई है। सांबा के नरसिंह मंदिर में भी जन्माष्टमी का उत्सव पूरे उत्साह और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। लोग भी मास्क पहनकर और कोविड की SOPs को ध्यान में रखते हुए मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। श्रीनगर में जन्माष्टमी के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीनगर के कई लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने श्री कृष्ण का जयघोष करते हुए सड़कों पर एक झांकी निकाली। डीसी कठुआ राहुल यादव ने इस बात की जानकारी दी है कि अब जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उनके कोविड टेस्ट लखनपुर में नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आने जाने में लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो काफी हद तक दूर होगी। बड़गाम पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया है और इनके कब्जे से नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। पुलिस ने संदर्भ में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेट टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।